उसी के आधार पर अपन बीमा व्यवसाय कर रहे हैं। और LIC के बारे में आपने देखा होगा कि अभी भी सभी लोग ये एक कमेटी गठित करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की थी, जिसमें उन सभी प्राइवेट कंपनीज का विलय कर दिया गया था और एक भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत सरकार की जिम्मेदारी वाली गारंटी वाली सॉवरेन गारंटी देने वाली संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। उस समय जब जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी तब इसके लिए संस्था के लिए 5 करोड़ से स्टार्ट किया था उन्होंने स्टार्ट का फंड भारत सरकार ने, जो कि आज आप देखें कितने हजारों करोड़ का हो चुका है। तो ये साथियों, आप लोग और आपसे पहले जितने भी विकास अधिकारी अभिकर्ता प्रशासनिक अधिकारी है ना, ये सभी लोगों के और पहले तो ये है कि हमें अपना दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि जब भी हम घर से निकले तो ये सोच के जाए कि आज हमें एक नई पॉलिसी को करके लौटना ही लौटना है, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। अभी मैं मार्केट आई थी, बाइक लिया है अपनी ब्लॉग बनाने के लिए और इस बीच में मैंने देखा है वो उतना खास काम नहीं करेगा, उसके लिए मुझे दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ा है। तो भाई उसके हिसाब से वीडियो बनेगी, आवाज़ क्लियर आएगी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो मीटिंग आज रखी गई है, इसमें टाइम था 2 बजे का और हमने मीटिंग में जा रहे हैं, दिखता क्या है उसमें, आज क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किसकी क्या पदवी दी जा रही है। तो वैक में मिलती हूँ, वहीं पे आपसे मुलाकात कराती हूँ। ये हमारी दमंग हिंदू सेना में आप सभी का स्वागत है, चंदन अभिनंदन। और हिंदू सेना में आज कुछ नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा। और इसी बीच में सारी लेडीज जिस तरह से आए, ये सारी हिंदू सेना दमंग की नारियां हैं जो भी सब आई हैं इस बीच में, आप सभी को देखो बात की जाएगी, सभी से बात थोड़ी सी की जाती, धीरे से की जाती है ना कि तेज। ये नारी शक्ति है दमंग हिंदू सेना की। हाँ बोलो, क्या कह रही हो, बोलो। हाँ जो कह रही हूँ, कैसी डालोगी क्या मीटिंग में, मतलब दमंग नारियाँ हैं, दमंग शक्ति नारी। बताओ कि धर्म के लिए लड़ेंगे तो कितनी बाहर लड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मातरम। हेलो गाइस, अभी रात की 11:30 का टाइम हो गया है, हम लोगों ने सुबह ने भी जस्ट अभी खाना खाया है, खाना खा के हम लोग बैठ के अभी फ्री हुए हैं और बहुत मस्त होके खाना खाया है अभी। और नाइट में जैसा भी हल्का खाना खाना चाहिए और उसके साथ साथ अपन को सैलेड ज़्यादा लेना चाहिए और मेरे हिसाब से लिक्विड वाला भोजन अधिकतर खाना चाहिए नाइट के टाइम। लिक्विड भोजन करने से ये होता है कि अपनी पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, नाइट में वजन कम बढ़ता है क्योंकि अपन खाना खा के सोते ही हैं, तो इसके हिसाब से अपन को लिक्विड भोजन करना चाहिए नाइट के टाइम। और गाइस दूध 1 गिलास तो 100% लेना चाहिए।
और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और तो मुझे लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। और आप सभी लोग यानी कि मेरे सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।